सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिकेय चौधरी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने वाच्य समझाने जा रहा हूँ। क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य, इसमें कर्ता कर्म की प्रधानता होती है। जहाँ क्रिया का लिंग, कर्ता का लिंग वचन के अनुसार हो, उसे कर्तावाच्य कहते हैं। कर्तावाच्य में एक क्रमक तथा आक्रमक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे स्नेहलता स्कूल जा रही है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कर्मवाच्य, इनमें कर्म की प्रधानता होती है, इसीलिए क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जैसे उसने उससे दौड़ा नहीं जाता, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए। भाववाच्य, जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो और न ही अपितु जहाँ भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, लड़कों से भागा नहीं जाता। तो यही है क्रिया वाच्य और वाच्य के भेद। धन्यवाद।